वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाफ द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, आगे कोमा लगा दिया, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरिमीटर का हाफ, कोमा लगा दिया। उसके बाद हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। इज 36 मीटर। अब यहां पे जो स्टेटमेंट थी, हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है, वो यहां पे नहीं बताया, कोमा लगा दिया। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहे हैं, फिर दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो गई, इसी स्टेटमेंट को पूरा नहीं किया। हुज लेंथ ही, जिसकी लेंथ कितनी, 4 मीटर ज्यादा है किससे, विद से। इज ये जो कोमा वाला है, इस यहां पर जुड़ेगा, इज 36 मीटर, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर। समझ आ रहे हैं? अदरवाइज देखो, अगर हम स्टेटमेंट ऐसे बनाएं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, साथ में नहीं लिखा इज 36 मीटर, कोमा लगा दिया। समझ आ रहे हैं? पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर गार्डन के जो पेरीमीटर का हाफ है वो कितना है, इज 36 मीटर। लेंथ इज 4 मीटर मोर, और जिसकी लेंथ कितनी ज्यादा दी हुई है, 4 मीटर ज्यादा है किससे, विथ से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, आपने गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, जो क्वांटिटी यानी कि जो चीज या क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी है उसको हमने मानना होता है। डायमेंशंस का मतलब, रेक्टेंगुलर गार्डन में डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ, तो इसलिए हम लेंथ मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन एक्स मीटर, ब्रेथ ऑफ गार्डन वाई मीटर। ये आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स आपने मानने हैं, लीनियर इक्वेशन बननी है हमारी टू वेरिएबल्स में। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, तो पेरीमीटर हमें जरूर पड़ेगी, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ गार्डन पेरीमीटर गार्डन का फॉर्मूला क्या होता है, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब पता है, मान लो ये रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगुलर गार्डन, ये एल है तो ये भी एल, ये भी बी, ये भी बी, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यानी कि बाउंड्री की जो लेंथ है, बाउंड्री की कंप्लीट लेंथ, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो एल प्लस एल टू एल, और प्लस टू बी, टू कॉमन एल प्लस बी, तो ये होता है हमारा टू ब्रैकेट एल प्लस बी, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या आ गया, टू एक्स प्लस वाई आ गया पेरीमीटर। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन पे आए, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहां पे बोला नहीं हुआ, कोमा लगा दिया, ये स्टेटमेंट इसके साथ जुड़ी हुई, इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर लेंगे आप और उसका हाफ करेंगे। समझ आ रहा है, कितना दिया है, 36, टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 36। एक इक्वेशन बन गई भाई हमारी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी हमारी, सेकंड कंडीशन, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और लेंथ ब्रेथ से कितनी ज्यादा दी हुई है, 4 ज्यादा। लेंथ का मतलब एक्स, एक्स वाई से 4 ज्यादा है, एक्स है ना, अब एक्स ज्यादा वाई से, वाई की तरफ एड होंगे, एक्स की तरफ एड नहीं होंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि एक्स वाई से ज्यादा है, एक्स ज्यादा है किससे, वाई से, कितना, 4, तो वाई की तरफ ऐड हो गए, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स एंड वाई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऑन इक्वेशंस, इसका मतलब है ऑन ये ई क्यू एन ऊपर लगा दिया, एस इक्वेशंस, 1 + 2, 1 और 1 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा x प्लस वाई है हमारा 36, ऐड करना आता है आपको 4, छोटी क्लास में किया आपने, 2x इक्वल टू कितना आ गया, 40, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, 40/2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20।
अब हमने वाई की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या सेकंड में, पुट एक्स इजल टू 20, इसको बॉक्स में लिख दें, पुट एक्स इजल टू 20 इन इक्वेशन वन। तो ये क्या मिला हमें, 20 प्लस वाई इजल टू 36, तो वाई इजल टू 36 माइनस 20, तो वाई कितना आ गया 16, 20 मीटर। या दिस इंप्लाइज अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ कितना आ गया 20 मीटर और ब्रेथ आ गया 16 मीटर, ये लास्ट में लिख दें, ये हमारा मेन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं हमारे पास इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपने एक दूसरी इक्वेशन और लिखनी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, सच दैट कंडीशन क्या है, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म, यानी कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक और आपने लीनियर इक्वेशन लिखनी है बतानी है, जिससे कि जो दो इक्वेशन बनेगी अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन आपने बनानी है, तो क्या हो गया पेयर बन गया ना, तो पेयर सो फॉर्म, यानी कि जो पेयर बना और उसको हम ग्राफ पे अगर ड्रॉ करें तो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो दोनों लाइंस एक तो दे रखी है, एक अपनी तरफ से बनाओगे लीनियर इक्वेशन, अगर हम उन दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होनी चाहिए, लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो गिवन लाइन क्या है हमारे पास, गिवन लाइन 2x प्लस 3y, अच्छा हमने उसमें किया था दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 किया था आपने, तो लाइन इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या थी, एक लाइन हमारे पास ये है सपोज लीनियर इक्वेशन, तो यहां पे जैसे a1 की बात करें तो 2 है, b1 की y का कोफिशिएंट 3 है, c1 की तरह -8, तो दूसरी इक्वेशन आपने बनानी है पैरेलल लाइंस, सॉरी पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप कोई भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपका आंसर मैच हो एनसीईआरटी से, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि कंडीशन हमारी पहले देखिए इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए 3x plus 2y, कुछ भी लिख दें प्लस 9 is equal to 0, एनी लाइन जो पेयर बनाए, तो जो हमने देखो a1 by a2 क्या बना 2 by 3 और b1 by b2 क्या बना 3 by 2, क्या इक्वल है, a1 by a2 क्या है 2 by 3 और b1 by b2 क्या है 3 by 2, क्या इक्वल है, ये नहीं है ना इक्वल, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल 8x plus 5y plus 6 is equal to 0, 7x minus 4y minus 10 is equal to 0, एनी इक्वेशन, क्यों ये इक्वेशन क्यों इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि अगर इन दोनों के रेशियो कंपेयर करोगे कोफिशिएंट के, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आपको मिलेगा, ठीक है, ये था हमारा इंटरसेक्टिंग के लिए। सेकंड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए आपने इक्वेशन लिखनी है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक और आपने लाइन की इक्वेशन बतानी है कि हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें तो लाइंस कैसी आई पैरेलल, और पैरेलल के केस में आपने क्या किया था याद है कुछ, पहली दो रेशियो इक्वल है और तीसरी रेशियो इक्वल नहीं है, याद है, तो आपने ऐसी करना है कि हमारी दोनों रेशियो स्टार्टिंग की इक्वल हो तीसरी इक्वल ना हो, तो आप सेम इक्वेशन लिख सकते हो 2x प्लस 3y, बस तीसरा चेंज कर दो, सबसे आसान a1 by a2 b1 by b2 इक्वल होगा कि नहीं होगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1, या दूसरा क्या कर सकते हैं आप, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो स्टार्टिंग के नंबर से, सिर्फ इनको 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, 2 से मल्टीप्लाई किया 6y, और उसको चेंज मत करो,
उसको कुछ और नंबर लिखो, ठीक है। इस तीसरे नंबर को कुछ और लिखें आप, या सेम वही रहने दे सकते हैं आप, नंबर मर्जी आपकी। इस नंबर को मल्टीप्लाई मत करें किसी भी नंबर से, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर से। जैसे मैंने अब देखो किससे मल्टीप्लाई किया, वन से मल्टीप्लाई किया है ना, यहां पे आपकी मर्जी है कुछ भी रहने दो, ठीक है। यहां पे आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, दो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा नंबर आपकी मर्जी है, या ये इक्वेशन लिख दो। अब ए वन बाई ए टू देखो, टू बाई टू वन, बी वन बाई बी टू वो भी वन आ रहा है, सेम है, बट थर्ड सी वन बाई सी टू इक्वल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी लाइन है हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मान लो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन तो सेम ही आएगी ना, तो दोनों इक्वेशन हमारी सेम होती है, दोनों का ग्राफ क्या होता है एक ही आता है, तो इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दो से। अगर यही इक्वेशन तो लिख नहीं सकते हम, ये तो एक दे रखी है तो सेम हो गई, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, तीन से कर दो, चार से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें। मान लो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्सटीन। अब आप देखो दो से मल्टीप्लाई किया है तो रेशियो में क्या आना, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू इक्वल आएंगे, आ रहा है ना वन बाई टू रेशियो, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, दो से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारी कोइंसिडेंट के लिए क्या थी, तीनों रेशियो क्या होती थी, इक्वल होती थी, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। आपकी मर्जी, तीन से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिक्स एक्स, थ्री थ्री जा नाइन एक्स, ये दोनों लाइन्स भी क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, क्या होंगी, कोइंसिडेंट। किसी भी कॉन्स्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन आएगी, देन बोथ द इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री या फोर मार्क्स में आ जाता पेपर में, और यही सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन ये आप नाइन्थ क्लास में, अगर एक्स्ट्रा बुक की बात करें आरडी शर्मा वगैरह एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ये हम कर चुके हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स माइनस वाई प्लस वन इज टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज टू जीरो, हमने इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ये आप नाइन्थ क्लास में भी कर चुके हैं, सिंगल सिंगल इक्वेशंस के ग्राफ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई दीज लाइन्स, आपने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, वर्टिसेस किसके, ट्राइंगल के, वो ट्राइंगल कैसे आएगी, फॉर्म्ड बाई दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, जो ये लाइन्स हैं हमारी, इन लाइन्स और एक्स एक्सिस से मिलकर, कौन सी लाइन्स जो दे रखी है, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इन लाइन्स और एक्स एक्सिस से मिलकर, जैसे मान लो ये लाइन्स हो गई, मान लो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये लाइन्स हो गई, अब एक्स एक्सिस ये हो गई और लाइन्स ये हो गई, तो बन गई ना ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस ये हो गए, तो इन वर्टिसेस के जो ट्राइंगल बनेगी, दो लाइन से बाउंडेड, दो लाइन से मिलकर और एक्स एक्सिस से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगी, और उसके जो वर्टिसेस आएंगे ट्राइंगल के, उनके हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एंड शेड द ट्राइंगल रीजन, और जो ट्राइंगल का रीजन है, एरिया है, उसको हमने शेड करना है। देखिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एक्स माइनस वाई पहली इक्वेशन दे रखी है, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं कॉन्स्टेंट को, बेटर है, तो हम इसका यहां लिख देता हूं एक्स माइनस वाई इज टू माइनस वन, तो इसका हम क्या करते हैं, वी मेक द टेबल, टेबल बनाते हैं सॉल्यूशन की, एक्स सबसे आसान तरीका है भाई, एक्स को जीरो पुट कर दो, जीरो पुट कर दिया ये तो जीरो हो गया, तो क्या बना, माइनस वाई इज टू माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया वन, अब वाई को क्या पुट करना है, जीरो, तो वाई तो देखो जीरो हो गया, ये तो जीरो ही बन गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स इतना आ गया माइनस वन। अब आपकी मर्जी, तीसरा सोल्यूशन निकालना निकाल लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, दो सफिशियंट है, दो तो जरूरी है। अब दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस है, तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, देखो थ्री एक्स प्लस टू वाई और जीरो प्लस ट्वेल्व पॉजिटिव हो जाएगा,
अब इसका हम क्या करेंगे, इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशन की, x और y, एक बार x को जीरो एक बार y को जीरो। सबसे बढ़िया तरीका है, x को देखो जीरो रख दिया, ये दबा लिया आपने, प्रेस कर दिया, तो 2y = 12। और ऐसी ऐसी है तो आपने इक्वेशन बहुत सारी की है, 2 नीचे आ गया, y कितना आ गया 6, ठीक है। अब y को जीरो रखा तो 3x कितना आ गया 12, तो x कितना आ गया 4, ठीक है, दो सोल्यूशन हमने निकाल लिए। अब देखें हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1-1 यही है बस, 1-1 का गैप ले लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, y डैश, x डैश, x डैश, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -1, -2 1, y पे 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4। अब देखिए भाई 0 और 1 यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, 0 1। 0 1 कहां पे आएगा बताएंगे, यहां पे, इसको हम, और -1, 0, -1, 0 हमारा यहां पे आ गया, इनको हम मिला देंगे, तो हमारे ये लाइन किसी की इक्वेशन है, x - y = -1 का ग्राफ है, ठीक है। अब यहां पे लिख दो ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 1 है, और यहां पे लिख दो दिस इज -1 एंड 0, ठीक है। अब इस पे आ जाए 0 6, 0 6 हमारा ये है, और 4 0 कहां पे है, यहां पे है, इन दोनों को मिला दे, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे थोड़ा ग्राफ पे अगर बनाएंगे आप, बिल्कुल वो आएगा आपका, तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या 4 0 और ये पॉइंट क्या 0 6, तो ये हमारा ग्राफ है 3x + 2y = 12 का। अब हमारी जो लाइंस हैं, हमने जो ट्रायंगल बनी है हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब हमने वर्टिसेस निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उन ट्रायंगल के वर्टिसेस के। अब ट्रायंगल एक्स एक्सिस बाउंडेड, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी ट्रायंगल, इसको शेड करना था हमें, क्या करना है शेड, ठीक है, इस एरिया को हमने क्या करना है, डॉटेड लगा देते हैं बेटर है, ध्यान दें डॉटेड करेंगे तो अच्छा रहेगा, डॉटेड कर देते हैं हम इसको, ये हमने शेड कर दिया, ठीक है। अब वर्टिसेस, अब ट्रायंगल के वर्टिसेस देखो, ट्रायंगल ये बनी है हमारी, एक्स एक्सिस बाउंडेड और दो लाइंस, ये वाली ट्रायंगल बन गई हमारी। अब इसके वर्टिसेस निकालने रह गए, इसके तो 4 0 आ गए, इसको आप ए बी सी का नाम दे सकते हो, ए बी सी, अगर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके वर्टिसेस कितना, यहां पे 2 है और यहां पे कितना जा रहा है 3, तो हमारे 2 और 3, तो वर्टिसेस आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या हो गए हमारे -1 0 4 0 2 3 एंड 2 3, ये हमने फाइंड आउट करना था, हमने एरिया को भी क्या कर दिया सेव। अब ध्यान दें आगे एक नेक्स्ट स्टेप भी पूछ लेता है, ये 9th क्लास में भी आता था, जो हमारा शेडेड एरिया है, शेडेड पोर्शन है जो ट्रायंगल, वो हमने उसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, 1/2 base × height करके निकालते हैं। अब यहां पे देखें, ये जो परपेंडिकुलर मैं यहां पे बना देता हूं ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी क्या हो गई हाइट, तो यहां से यहां तक बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, यहां 4 यूनिट यहां पे हो गया, 1 यूनिट ये, नेगेटिव काउंट नहीं करते हम, तो ये लेंथ टोटल कितनी है 5 यूनिट। तो एरिया अगर हम निकालेंगे 1/2, बेस कितना है 5 यूनिट,
और हाइट, हाइट होती है ये। अब यहां से इसके सामने कितनी है, थ्री, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया अगर मान लो पूछ लेता है आपको इसी क्वेश्चन में, एरिया निकालो आ सकता है, तो 1/2 बेस हमारा कितना होगा, 5, और हाइट कितनी होगी, 3, दिखाई दे रही हाइट, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी हमारा यहां तक है। ओके।